नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश जोशी आम्रपाली इंस्टीट्यूट हल्द्वानी में कार्यरत हूं और आज आप लोगों के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की अपनी कंटिन्यूइंग सीरीज़ में एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, इस चीज़ को ध्यान रखें कि SQL क्या है। सबसे पहले हम लोग हमारे में क्यूरियोसिटी यही डेवलप होती है कि SQL है क्या या इसका क्या यूज़ है। तो जैसे हमने नॉर्मलाइजेशन और ER डायग्राम को डिस्कस किया, नॉर्मलाइजेशन में हमने रूल पढ़े, ER डायग्राम में हमने उसका पेपर रिप्रेजेंटेशन पढ़ा। अब अगला जो टॉपिक है हमारे पास वो है SQL का। SQL मतलब स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब जो भी चीज़ आपने अभी तक पेपर में रिप्रेजेंट करी है पिक्टोरियली, उसको मशीन में इम्प्लीमेंट करना, ये है SQL का टॉपिक। तो SQL में अगर आप ध्यान दें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट, ये कमांड्स DDL के अंदर आते हैं, जबकि DML इसका नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम लोग डेटा मैनिपुलेशन की बात करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट SQL के बारे में, SQL नॉन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। SQL एक तरीके से कमांड बेस्ड लैंग्वेज है और नॉन केस सेंसिटिव है। अब जैसे मैंने इसके दो बायफर्केशन दिए हैं, DDL और DML। तो DDL का मतलब है DDL में वो सारे कमांड्स आएंगे जो टेबल के स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। स्ट्रक्चर मतलब अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। और DML उन कमांड्स को बिलोंग करेगा या उन कमांड्स को होल्ड करेगा जिसके थ्रू हम लोग डेटा पे काम करते हैं। तो इसके लिए क्लासिफिकेशन किया गया, मीन्स SQL एक कमांड्स का कलेक्शन है। अब उनको हम इकट्ठा ना पढ़ के हमने उसकी कैटेगरी करी है DDL और DML के फॉर्म में। इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे आज, जिसमें हमने मेनली फोकस किया है सेलेक्ट को, क्योंकि क्रिएट, ऑल्टर, डिलीट, ड्रॉप ये एक ऐसे कमांड्स हैं जो जनरली आप और फर्दर वे में या बुक से भी पढ़ सकते हैं। बट जो सेलेक्ट है, सेलेक्ट को हमको भी कई सारी वैराइटीज़ में समझना होता है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, हम लोग डेटाबेस क्यों बना रहे हैं, डेटा को रखने के लिए नहीं बना रहे, हम उस डेटा को ज़रूरत पड़ने पर देख सकें, हम उस डेटाबेस का यूज़ कर सकें, इसके लिए बना रहे हैं। तो सेलेक्ट कमांड इसीलिए बनाया जाता है, इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है, ताकि जो कंटेंट हमने रखे हुए हैं स्टोर करके उनको हम लोग देख पाएँ। तो इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, सेलेक्ट कमांड को डिस्कस करेंगे, कंडीशंस डिस्कस करेंगे, और बेसिक्स में एग्रीगेट फंक्शन का डिस्कशन करेंगे डिस्टिंक्ट और ऑर्डर बाय क्लॉज के साथ। तो अब हम स्टार्ट करें। पहले हमको समझना होगा टेबल्स इन SQL। SQL में टेबल क्या होगी, तो यहां पर अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर के टर्म में एक टेबल बनाई गई है जिसमें प्रोडक्ट टेबल का नाम है, जबकि मैन्युफैक्चरर, कैटेगरी, प्राइस और प्रोडक्ट नेम ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये इस टेबल के फील्ड्स हैं। जबकि मल्टी टच, सिंगल टच, माउस, पीसी, 20,000, 500, 2,000, 5,000 ये सब डेटा है। तो अगर हम वापस SQL के क्लासिफिकेशन में जाएं एक बार, जो हमने यहाँ पर कहा था DDL और DML, तो इसको अब ध्यान से देखिए। इस टेबल में प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर के लिए और प्रोडक्ट के लिए हमको कौन से कमांड यूज़ करने होंगे, जो DDL में बनते हैं, जो DDL के थ्रू मिलते हैं। जबकि PC, 20,000, गैजेट्स, इंटेल ये सब इंफॉर्मेशन है, इसके लिए हमको कौन से कमांड यूज़ करने होंगे, DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के। टेबल्स का एक्सप्लेनेशन देखिए, स्कीमा ऑफ अ टेबल। स्कीमा ऑफ अ टेबल का मतलब होता है टेबल का स्ट्रक्चर, जैसे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर। ये देखिए टेबल को, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर, ये क्या है, स्कीमा है, ये स्ट्रक्चर है। बिना इस स्ट्रक्चर को बनाए हुए इसके अंदर इन्फॉर्मेशन को नहीं फीड किया जा सकता। तो ये इन्फॉर्मेशन फीड करने से पहले हमको ये स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसके बाद की, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म, अगर ध्यान से देखें तो पी नेम के अंदर मैंने अंडरलाइन किया हुआ, ये चीज़ हम ऑलरेडी ER डायग्राम और नॉर्मलाइजेशन में डिस्कस कर चुके हैं कि प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर, इसको हमने क्या माना हुआ है, इसमें की एट्रीब्यूट माना हुआ है प्रोडक्ट नेम को। जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देंगे तो पीसी, माउस, सिंगल टच और मल्टी टच, ये वैल्यूज एक ही बार आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि मैंने पी नेम को की फील्ड बनाया हुआ है। दोबारा रिपीट मैं इसको नहीं करूंगा इस टेबल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, डेटा टाइप्स इन SQL। अब आपको यहाँ पर डेटा टाइप का रोल भी समझ में आना चाहिए। डेटा टाइप मेरे पास कौन कौन से हैं, कैरेक्टर, इंटीजर, बिग इंटीजर, मनी, डेट, टाइम। मतलब अगर बहुत सिंपल से वे में आपको सिर्फ दो डेटा टाइप मिनिमम पता होने चाहिए, इंटीजर और कैरेक्टर। शुरुआत में अगर आपके दो डेटा टाइप पता है तो ये सफिशियंट है। तो इंटीजर और कैरेक्टर ये किसके होंगे डेटा टाइप्स, ये जो टेबल वापस आई है, पी नेम का डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, प्राइस का डेटा टाइप इंटीजर होगा,
कैटेगरी का डेटा टाइप कैरेक्टर होगा, मैन्युफैक्चरर का डेटा टाइप वापस कैरेक्टर होगा। तो ये डेटा टाइप्स है कि इन एट्रीब्यूट्स में, इन फील्ड्स के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। अब ये देखिए एक एसक्यूएल क्वेरी, बेसिक एसक्यूएल क्वेरी का फॉर्मेट है सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। तो सेलेक्ट इसके आगे एट्रीब्यूट्स लिखा हुआ है, एट्रीब्यूट का मतलब है टेबल का अंदर जो फील्ड्स हैं उनकी बात कर रहा हूं। फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर अगर कंडीशन है तो, वेयर पार्ट ऑप्शनल होता है, इस चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें, वेयर तभी यूज करें जब आपके पास कोई कंडीशन हो। एग्जाम्पल देखिए सेलेक्ट कमांड का, सेलेक्ट फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, ऑर्डर बाय। इसमें मैंने कई सारी चीजों को एक ही कमांड के अंदर दिखाने की कोशिश करी है, जिसमें नीचे एग्जाम्पल मैंने दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर विशेष तौर पे देखिए सेलेक्ट मैंने एक एस्ट्रिक यूज कर दिया है, फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री ऊपर दिखाया है सिंटेक्स में, मगर मैंने नीचे एस्ट्रिक यूज किया है। तो एस्ट्रिक कब इस्तेमाल किया जाएगा? एस्ट्रिक तब इस्तेमाल किया जाएगा जब मैं टेबल के सारे एट्रीब्यूट देखना चाहता हूँ। एस्ट्रिक का मतलब है ऑल द कॉलम्स, ऑल द डेटा नहीं, ऑल द कॉलम्स। तो ध्यान रखिए सेलेक्ट फील्ड वन, फील्ड टू, फील्ड थ्री, इसकी जगह पर मैंने क्या यूज किया है? एस्ट्रिक। मैं एस्ट्रिक यूज नहीं करना चाहता, इट्स ओके, मैं सारे एट्रीब्यूट लिख सकता हूँ, वो भी पॉसिबल है, दोनों चीजें अपनी जगह पर ठीक है। एस्ट्रिक तब यूज करना होगा जब मुझे सारा डेटा देखना हो, सारे फील्ड्स को देखना हो, क्योंकि अननेसेसरी मैं फील्ड्स टाइप ना करूं, मुझे कोड कम करना पड़े, इसलिए एस्ट्रिक की फैसिलिटी दी जाती है। फ्रॉम सिटी, अगर आप सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी लिख के छोड़ देंगे तो सारी टेबल सारे फील्ड्स के साथ डिस्प्ले हो जाएगी, एंटायर टेबल। जबकि इसमें मैंने नीचे का यूज किया वेयर, यहाँ पर वेयर पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन 50 लाख, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन और DESC। आप इस क्वेरी का मतलब क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझें। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टडी का सिटी का मतलब पूरी टेबल डिस्प्ले हो रही है, वेयर पॉपुलेशन ग्रेटर देन 50 लाख, तो इसका मतलब है सिर्फ वही डेटा आएगा जिसकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज्यादा है। अब इसमें मैंने एक और क्लॉज यूज किया है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब होता है अरेंजमेंट अल्फाबेटिकली और न्यूमेरिकली, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे इन जनरली यहाँ पर ये क्वेरी क्या करेगी, सिटी टेबल का सारा डेटा लाएगी, उन लोगों का या उन सिटीज़ का जिनकी पॉपुलेशन 50 लाख से ज़्यादा है, और उसको कैसे दिखाएगी, सॉर्टेड वे में, जिसके आगे DESC भी यूज़ किया गया। अभी मैं आगे इसमें फर्दर स्लाइड में जाके हम वापस इस स्लाइड में आएंगे, तब हम इसको एक बार और डिस्कस करेंगे। कंडीशंस इन SQL, हम इसको फर्दर डिस्कस कर रहे हैं कि SQL में कंडीशंस का क्या मीनिंग है। SQL में कंडीशन का मीनिंग जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस करते आ रहे हैं कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम कंट्री, तो कंट्री टेबल पूरी डिस्प्ले होगी। वेयर नेम इक्वल टू थाईलैंड, इसका मतलब कंट्री से सिर्फ वो डेटा निकले जिसका कंट्री का नाम थाईलैंड हो। तो यहाँ पर मेरा इंपॉर्टेंट कंसर्न ये है कि जब भी आप कोई कंटेंट लिखें और वो स्ट्रिंग हो तो उसको सिंगल कोट्स में लिखें, जैसे यहाँ पर लिखा गया है, जैसे लॉस एंजलिस सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, तो ये पहली वाली क्वेरी उन कंट्रीज का डेटा देगी जिनका नाम थाईलैंड है, दूसरी वाली क्वेरी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सिटी उन शहरों का नाम देगी जिस शहर का नाम लॉस एंजलिस है, तो लॉस एंजलिस का ही डेटा इसमें आएगा। तो इसमें विशेष तौर पर ध्यान रखें कि आपको सिंगल कोट्स का इस्तेमाल करना है। वेयर कंडीशन में और भी क्या हो सकता है, देखिए वेयर नेम इक्वल टू बैंकॉक, तो ये क्या है, इसको कहते हैं इक्वालिटी टेस्ट। एग्जैक्ट वैल्यू अगर आपके पास है तो इक्वल टू यूज होगा, कभी कभी होता है ना कि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। मुझे ये याद रहता है कि मेरे को सिटी में घूम के आया था मगर BANG था उसमें स्टार्टिंग, बाकी मैं भूल गया हूँ, तो उसको कहते हैं हम लोग पैटर्न मैचिंग। तो यहाँ पर आप कैसे इसको निकालेंगे, BANG परसेंटेज साइन, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, वेयर नेम इक्वल टू कभी यूज नहीं होगा, अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो आप इक्वल की जगह पर क्या यूज करेंगे, लाइक, वेयर नेम लाइक BANG परसेंटेज। तो ये क्या डेटा दिखाएगा आपको, उन सारी कंट्रीज के नाम जो BANG, मतलब बैंकॉक और बांग्लादेश, अगर आपके डेटा में है बैंकॉक और बांग्लादेश तो दोनों का डेटा आ जाएगा, मतलब इसको कहते हैं हम लोग पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग में विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है कि इक्वल टू का यूज कभी नहीं करेंगे आप, उसकी जगह पर लाइक यूज करेंगे और परसेंटेज सिंबल लेंगे इंस्टेड ऑफ, अगर आपको पूरा डेटा नहीं पता है तो। अब थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन करते हैं एग्रीगेट फंक्शंस का भी। एग्रीगेट फंक्शन क्योंकि सेलेक्ट के साथ ही यूज हो रहे हैं और हम लोग का पूरा फोकस एरिया भी सेलेक्ट ही है, तो एग्रीगेट फंक्शन का यूज क्या होता है कि पूरे कंटेंट में से एक वैल्यू निकाल के लाना। जैसे एग्जांपल मैं देता हूं, अगर आप क्लास 12th पढ़ रहे हैं या 10th सब पढ़े हुए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं या करे हुए हैं,
तो हम लोग कभी भी जब हमसे परसेंटेज पूछी जाती है तो हम इंडिविजुअल सब्जेक्ट की परसेंटेज नहीं बताते, हम लोग एग्रीगेट बताते हैं। तो एग्रीगेट का मतलब क्या होता है कि पूरे कंटेंट की एक वैल्यू, सीधी सी बात अगर करें तो वो वैल्यू सारे डेटा का रिप्रेजेंटेशन है, वो एक ऐसी वैल्यू है जो हर डेटा को जस्टिफाई कर रही है, उसको एग्रीगेट कहते हैं। तो अब यहाँ पर एग्रीगेशन के लिए हमारे पास SQL में कई सारे फंक्शंस दिए गए हैं, जिसमें से कुछ फंक्शंस को मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम अकाउंट्स, ये क्या आउटपुट देगा आपको? ये देगा अकाउंट टेबल के अंदर काउंट करेगा, एस्ट्रिक मतलब सबको कितना डेटा है, तो इसका मतलब आउटपुट आ रहा है 4 का मतलब इस टेबल में 4 रोज हैं। तो ये वाली क्वेरी बड़ी इफेक्टिव है। अगर आपको कभी ये जानना हो कि भाई आपके पास 10 लाख डेटा है, उसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा कि 10 लाख रिकॉर्ड है इस टेबल में? या आपने अभी मान लीजिए आपने शुरू में डेटा एंटर करना शुरू किया, अब आपको दिन में ये पता करना है कितने रिकॉर्ड मैंने इसमें एंटर कर दिए होंगे, और 1, 2, 3, 4 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे पास, तो मुझे ये यूज़ करना होगा सेलेक्ट काउंट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल का नेम। तो हम इससे क्या देख पाएंगे? टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ टेबल। इसके अलावा एग्रीगेट फंक्शंस देखिए, सम मैक्स मिनिमम और काउंट। मैक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये सरफेस एरिया फ्रॉम कंट्री, तो इसका मतलब ये आपको मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा। फॉर एग्जांपल ये टेबल अगर बनी है तो इसमें सरफेस एरिया हर कंट्री का लिखा हुआ है कि ये कंट्री का इतना है, इतना है, इतना है, तो इसमें से ये मैक्सिमम सरफेस एरिया आपको बता देगा कि सरफेस एरिया मैक्सिमम कितना है इस डेटा के अंदर। इसका और ज़्यादा बेहतर यूज़ हम कर सकते हैं कि सपोज आप क्लास 12th का रिजल्ट बनाइए, तो अब आपको ये जानना हो, सपोज़ आपने क्लास 12th का रिजल्ट बनाया और उसके अंदर टेबल को बनाया रोल नंबर, फिजिक्स मैथ्स और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स बनाए। अब आपको जांचना है कि फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, तो आप लिखेंगे सेलेक्ट मैक्स फिजिक्स फ्रॉम टेबल नेम। तो बहुत सिंपल तरीके से आप ये जान पाएंगे कि फिजिक्स में हाईएस्ट मार्क्स कितने आए हैं। अब उसमें ये डिपेंड नहीं करता कि एक रिकॉर्ड है 1 लाख है, 10 लाख है, जितने भी होंगे उसमें सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होगी उसको ये ढूंढ के निकाल लेगा। तो इसके लिए मैक्स यूज़ होता है, मिनिमम भी वही कॉन्सेप्ट है, और सम का यूज़ होता है टोटल करने के लिए। सम का एक और बेहतर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि सपोज आपने कहा एम्प्लॉय की आईडी, सैलरी, 2 डेटा लिखे, तो E1 उसकी सैलरी, E2 उसकी सैलरी, E3 इसकी सैलरी, E4 इसकी सैलरी। अब लास्ट में एम्प्लॉयर को ये जानना हो कि मैंने टोटल सैलरी कितनी दी, तो मुझे सिंपल क्या लिखना होगा? सेलेक्ट, जो भी मैंने एम्प्लॉय आईडी और सैलरी फील्ड बनाया था टेबल में, सेलेक्ट मैक सम और ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम SAL टेबल, SAL सपोज टेबल का नाम है, तो ये क्या बताएगा आपको? उस फील्ड के अंदर का टोटल सम कि उसमें कितनी वैल्यूज हैं, ऑटोमेटिकली उसका सम कैलकुलेट करेगा। फिर से वापस आइए एग्जांपल्स में, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर एक प्रोडक्ट टेबल है जिस पे मैंने क्वेरी लगाई सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू गैजेट। अब ध्यान से देखिए नीचे इसका आउटपुट भी लिखा हुआ है, तो ये इस पूरी टेबल में जहां पर कैटेगरी में गैजेट्स होंगे ये उस आउटपुट को डिस्प्ले करेगा। दूसरी एक क्वेरी देखिए, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा मैन्युफैक्चरर, पहले वाले में एस्ट्रिक लगा है, एस्ट्रिक का मतलब सारे फील्ड्स, दूसरे वाले में एस्ट्रिक नहीं लगा है, मैंने लिखा है प्रोडक्ट नेम प्राइस और मैन्युफैक्चरर, तो इसमें गैजेट्स आउटपुट से गायब हो गया है और साथ में सिर्फ वही डेटा आ रहा है जिनका प्राइस 100 से ऊपर आएगा। नेक्स्ट नोटेशंस में अगर आप ध्यान दें तो सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा मैन्युफैक्चरर फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर प्राइस इज ग्रेटर देन 100। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो प्रोडक्ट नेम प्राइस और मैन्युफैक्चरर यही आउटपुट होंगे, जबकि इनपुट स्कीमा क्या है? प्रोडक्ट नेम प्राइस कैटेगरी और मैन्युफैक्चरर, मगर आउटपुट में क्या आएगा? प्रोडक्ट नेम प्राइस और मैन्युफैक्चरर, सिर्फ 3 ही फील्ड आएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट क्लॉज है डिस्टिंक्ट, बिना डिस्टिंक्ट के और डिस्टिंक्ट के दोनों एग्जाम्पल दिए हैं। पहले वाले में देखिए मैंने डिस्टिंक्ट लगाया है कैटेगरी में, जबकि दूसरे वाले में मैंने डिस्टिंक्ट का यूज नहीं किया है, मैंने लिखा सेलेक्ट कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैटेगरी में से सारी कैटेगरी आ गई। इसमें आप ध्यान दें, मान लीजिए 1000 गैजेट्स हैं तो 1000 बार गैजेट 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 लिखेगा, 500 फोटोग्राफी है 500 बार फोटोग्राफी लिखेगा, तो अननेसेसरी का रिपीटेशन है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट का। जैसे ही मैं डिस्टिंक्ट कैटेगरी लगाऊंगा तो गैजेट अब सिर्फ एक ही बार आएगा, भले ही वो फिजिकली टेबल में 1000 बार क्यों ना हो, फोटोग्राफी भले ही 500 बार क्यों ना हो, वो सिर्फ एक ही बार रिपीट होगा, एक ही बार डेटा दिखाएगा, ये डिस्टिंक्ट क्लॉज है। ऑर्डरिंग द रिजल्ट, जैसे मैंने अर्लियर 7th नंबर की स्लाइड में डिस्कस किया था कि ऑर्डर बाय,
ऑर्डर बाय का मतलब होता है सॉर्ट करना, सॉर्टिंग करना। इसमें DESE और ASCII दो वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ऑर्डर बाय प्राइस मैंने लिखा है तो ये क्या करेगा, सबसे कम प्राइस का डेटा पहले दिखाएगा, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में आपको ये डेटा डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ठीक उल्टा करना है कि सबसे बड़ी वैल्यू पहले आए फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा, तो आपको उसके आगे DESE लिखना होगा, तभी आप उस डेटा को देख पाएंगे। अब ये मैंने तीन सैंपल्स दिए हुए कि इसके आउटपुट्स क्या आएंगे ऊपर वाले एग्जाम्पल के हिसाब से। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कैटेगरी फ्रॉम प्रोडक्ट, ऑर्डर बाय कैटेगरी, इसमें ऑर्डर बाय भी लगा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसको आप लोग खुद से टेस्ट करेंगे और खुद से नोट करेंगे। पहले इस टेबल को बनाएंगे और फिर इन तीन चीज़ों को टेस्ट करेंगे। ये आप लोगों के लिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। थैंक यू।